गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेसन है आपका फोर, व्हाई एन ऑरेंज, जस्ट एन ऑरेंज। क्या है आपको बेटा मैं बता दूं कि एक ऑरेंज फ्रूट का नेम भी है और एक ऑरेंज हमारा कलर भी होता है। तो जो ऑरेंज हमारा फ्रूट है वो ही कलर भी है। सेम आपने देखा भी होगा हमारे विंटर्स में, सर्दियों में कौन सा फ्रूट आता है, आप होली के आसपास भी बहुत आते हैं ऑरेंजेस, जो सबको खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्ट और जूसी फ्रूट है वो हमारा, है ना। तो ये पूछा है व्हाई एन ऑरेंज, जस्ट एन ऑरेंज, कि एक ऑरेंज खाली एक ऑरेंज ही क्यों है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोयम। व्हाट इज पिंक। अब इसमें बेटा आपको कलर्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, व्हाट इज पिंक, उसने पूछा है पिंक क्या है। अ रोज इज पिंक व्हाई द फाउंटेन्स ब्रिंक, वो कह रहा है व्हाट अ पिंक, कि जो पिंक कलर है वो क्या है। अ रोज इज पिंक, आपने देखा होगा गुलाब जो रोज है वो पिंक होता है, उसके मैनी कलर्स होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन सा होता है, हमारा पिंक कलर का होता है। द फाउंटेन्स ब्रिंक, जो वो पिंक क्यों है, क्योंकि फाउंटेन की जो पानी है वो उसके ऊपर गिरता है और तो उससे क्या लगता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा पिंक कलर का है, है ना। अब सेकेंड है व्हाट इज रेड, पॉपीज रेड इन इट्स बेडली बेड। ये क्या है, पॉपीज अ टाइप ऑफ प्लांट विद लार्ज यूजली रेड फ्लावर्स, एक प्लांट है ये, कौन सा, पॉपीज, है ना। ये क्या है, यूजली ज्यादातर कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का होता है, जैसे अफीम टाइप बोलते हैं। इन इट्स बेडी बेड, ये क्या है, बेडी अ टाइप ऑफ ग्रीन, ये किससे रेड हुआ है, जो बालियां होती है ना गेहूं की, उससे ऐसा है कि ये जो है वो लाल रंग का हुआ है, रेड कलर का हुआ है। व्हाट इज ब्लू, ब्लू कलर क्या है। द स्काई इज ब्लू वेयर द क्लाउड्स फ्लोटिंग थ्रू, द स्काई इज ब्लू, आकाश जो है, आसमान जो है वो कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। वेयर द क्लाउड्स फ्लोटिंग थ्रू, जहां पर क्या, कौन फ्लोट करता है, कौन तैरता है, फ्लोटिंग माने तैरना होता है, बहते हैं क्या, बादल होते हैं वहां पर, तो उसकी वजह से क्या आसमान हमारा कैसा है, ब्लू है। व्हाट इज व्हाइट, व्हाइट क्या है, व्हाइट क्या है, अ स्वाम इज वाइट सेलिंग इन द लाइट, क्या है, जो स्वाम होता है ना, जो हंस होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल वाइट होता है, प्योर वाइट, है ना, सेलिंग इन द लाइट, वो कहाँ कहाँ तैरता है, पानी में तैरता है, लेकिन सूर्य की रोशनी उस तक पहुँचती है, सनलाइट उस तक पहुँचती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वाइट लगता है। वॉट इज येल्लो, येल्लो क्या है, पियर्स आर येल्लो रिच एंड राइप आर मेलो, मेलो सॉफ्ट एंड स्मूथ, पियर्स नाशपाती के टाइप एक फ्रूट होता है जो येलो कलर का होता है, रिच एंड राइप, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्या होता है, पका हुआ फ्रूट होता है, आर मेलो, जो खाने में बहुत ही कैसे सॉफ्ट एंड स्मूथ है, क्योंकि आपने देखा होगा जो राइप फ्रूट्स होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं, उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आपको खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपको खाना भी बहुत अच्छा लगता है उन फ्रूट्स को जो राइप जो पके हुए होते हैं। वॉट इज ग्रीन, ग्रीन क्या है, द ग्रास इज ग्रीन विद स्मॉल फ्लावर्स इन बिटवीन, आपने घास को देखा होगा, कौन से कलर की होती है घास, हमारी ग्रीन कलर की होती है, प्लांट्स भी हमारे ज्यादातर किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, और उनके बीच में, ग्रास के बीच में आपने देखे होंगे छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, रेड येलो, और जब हमारा वो होता है ना स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, तब वो खिलते हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं घास के बीच में वो छोटे छोटे से फ्लावर्स, जो क्या हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, प्रकृति की देन है, नेचुरल फ्लावर्स होते हैं वो, और वो क्या है, ग्रास ग्रीन होती है और उसके अंदर जो उसके बीच में क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं, स्मॉल मतलब छोटे, स्मॉल मीन्स छोटे। व्हाट इज वायलेट, आपने वायलेट कलर देखा होगा, पर्पल सा होता है। क्लाउड्स आर वायलेट इन द समर ट्विलिंग, ट्विलिंग मतलब द टाइम ऑफ डे जस्ट आफ्टर द सनसेट, जब आपने देखा होगा सूरज छिपने वाला होता है तो एक बहुत सुंदर कलर बनकर आता है, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में सूर्य, जो सनसेट होता है, सूरज छिपता है, उसका कलर रेडिश और बहुत ही येलो रेडिश और एक नया कलर बनकर आता है, पर्पल, है ना।
तो ये यही कह रहा है, व्हाट इज वॉयलेट, वॉयलेट क्या है, क्लाउड्स आर वॉयलेट, जो बादल हैं, क्लाउड्स माने क्या होता है, क्लाउड्स मीन्स होता है बादल, आर वॉयलेट, जो बादल हैं वो वॉयलेट है इन द समर, समर मीन्स गर्मी में, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग मतलब गर्मी मीन्स आपने देखो 7 बजे के आसपास जब आपका दिन छिपता है तो उसमें ना एक आसमान में एक अजीब सा कलर हो जाता है जो देखने में हमें कैसा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। व्हाट इज एन ऑरेंज, व्हाट इज ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, व्हाई एन ऑरेंज, जस्ट एन ऑरेंज, और ऑरेंज कलर तो ऑरेंज है, ऑरेंज फ्रूट भी है और ऑरेंज कलर भी है, तो ऑरेंज एंड जस्ट एन ऑरेंज, वो एक ऑरेंज है। बेटा ये पोएम आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इससे आपको कलर्स की भी नॉलेज होगी। ये पोएम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको क्रिस्टीना रोस्टी ने लिखा है, इसके जो राइटर हैं क्रिस्टीना रोस्टी ने लिखा है। इसकी आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है और इसके कलर्स के बारे में आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी। थैंक यू।